हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में सोशियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह यूपी पीजीटी हो या यूजीसी नेट जेआरएफ, जीआरसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर, आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में आपके टोटल कितने क्वेश्चन जो है सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कागार पर है, निम्नलिखित में कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ऑप्शन नंबर बी है, पहचान प्रभाव बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृत एवं विचारधारा का प्रभाव, पारिवारिक विवाद, परिवार के कार्यों की घटना, महिला आंदोलन, सामाजिक सुरक्षा प्रावधान आदि जो है वे कारक हैं जिनसे संयुक्त परिवार विघटन की ओर जो है बढ़ रहा है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं हम आज अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। आज के हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है मर्डॉक द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मैकाइवर द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है वार्नर के द्वारा और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी, मार्गन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वार्नर के द्वारा। वार्नर ने परिवार के दो प्रकार, यानी कि जन्म मूलक परिवार व प्रजनन मूलक परिवार का उल्लेख किया है। वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति जन्म लेता है तथा उसका पालन पोषण होता है, जन्म मूलक परिवार जो है कहा जाता है। ऐसे परिवार में व्यक्ति के माता पिता एवं अविवाहित भाई बहन रहते हैं। प्रजनन मूलक परिवार क्या होता है? तो प्रजनन मूलक परिवार का निर्माण जो है व्यक्ति विवाह के बाद जो है करता है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए है टाइलर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मार्गन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मेलोनोवस्की के द्वारा, लास्ट है ऑप्शन नंबर डी, रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्गन के द्वारा। मार्गन पहले विद्वान थे जिन्होंने जो है नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया था। उन्होंने जो है न्यूयॉर्क राज्य की इराक्विश जनजात का जीवन प्रयत्न अध्ययन किया। उन्होंने नातेदारी को दो भागों में बांटा है, वर्णात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं और दूसरा है विशिष्टात्मक संबंध सूचक संज्ञाएं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, जब हम परिवार का विवेचन एक समूह के रूप में करते हैं तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तब उसे जो है एक समिति कहा जाता है। मैकाइवर व पेज के अनुसार जो है हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्थाओं के। समिति से मनुष्य के संगठित समूह का बोध होता है, जबकि संस्था से एक कार्य प्रणाली का बोध होता है। परिवार, महाविद्यालय, धार्मिक संगठन, राजनैतिक संगठन आदि जो है ये व्यक्तियों के समूह के रूप में जो है समितियां हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज के हमारा अगला प्रश्न है, विश्व के किस महाद्वीप में वधु मूल प्रथा ज्यादा प्रचलित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अफ्रीका में। विवाह हेतु वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया गया मूल्य वधु पक्ष मूल कहलाता है। कभी कभी वधु मूल को जन्मदाता परिवार द्वारा पुत्री के पालन पोषण पर किए गए खर्च की क्षतिपूर्ति का भुगतान के साथ जो है देखा जाता है। इस प्रकार की प्रथा आज भी जो है कई आदिम जातियों में जो है प्रचलित है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, पुनर्जनन की जैविक क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनन शक्ति कहते हैं, यानी कि पुनर्जनन की जैविक क्षमता को जो है जनन शक्ति कहते हैं। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है पितृसत्तात्मक, दूसरा है अंतर्विवाह, तीसरा है सोपान और चौथा दिया गया है समानता। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं हिंदू जात व्यवस्था की प्रारूपी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्विवाही और सोपान। ठीक है, आंद्रे वैदेही के अनुसार एक जात व्यक्तियों का एक छोटा और विशेष नाम वाला एक ऐसा समूह है जिसमें सजाती विवाह, आनुवांशिक सदस्य और एक विशेष जीवन शैली की विशेषता जो है होती है, तथा जो परंपरागत रूप से चले आ रहे एक विशिष्ट व्यवसाय को करता है और जिसे पवित्रता की अवधारणाओं पर आधारित श्रेणीबद्ध व्यवस्था में न्यूनाधिक रूप में जो है एक विशिष्ट सांस्कृतिक परिस्थिति जो है प्राप्त होती है। तो इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता ऐसी है जो संयुक्त परिवार की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वतः विकास। विस्तारित परिवार की एक विशिष्ट रूप जो विशेषता भारत के हिंदू समुदाय में पाया गया है को जो है संयुक्त परिवार की संज्ञा दी गई है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि सामान्य निवास, सामान्य रसोई घर, सामूहिक संपत्ति, बड़ा आकार। संयुक्त परिवार के दो सदस्यों का एक दूसरे के प्रति अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन आदि जो है, जबकि स्वतः विकास क्या है? तो स्वतः विकास जो है समुदाय की विशेषता है। स्वतः विकास क्या है? यह समुदाय की जो है विशेषता है। ठीक है, यह समुदाय की क्या है? यह समुदाय की जो है विशेषता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, दो बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है नाभिक परिवार, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत परिवार और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त परिवार। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली की कौन कौन सी विशेषताएं सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया बड़ा आकार, ऑप्शन नंबर बी है सदस्यों के बीच निश्चित संतरण, ऑप्शन नंबर सी परंपराओं पर आधारित संरचना और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी सदस्यों में औपचारिक संबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सदस्यों में औपचारिक संबंध। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज के हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है निकाह, ऑप्शन नंबर बी है मुता, ऑप्शन नंबर सी है फासिद और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी वातिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुता। मुता अस्थायी प्रकार का विवाह है और केवल मुस्लिम समाज में ही यह मान्य है। मुसलमानों में सुन्नियों के अनुसार जो है केवल अस्थायी विवाह ही हो सकता है, लेकिन शिया लोगों के अनुसार अस्थायी विवाह भी हो सकता है, जिसे जो है मुता कहते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह किस प्रकार के परिवार की संरचना या रचना करता है। ऑप्शन नंबर ए है पितृसत्तात्मक परिवार की, ऑप्शन नंबर बी है जन्म मूलक परिवार की, ऑप्शन नंबर सी है प्रजनन मूलक परिवार की और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी नव स्थानीय परिवार की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रजनन मूलक परिवार की। ठीक है, विवाह के उपरांत व्यक्ति जिस परिवार को स्वयं जन्म देता है तथा जिसमें संतानों उत्पत्ति करता है जननन परिवार जो है कहलाता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रजनन मूलक परिवार। आज हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम वधु को दिया जाने वाला मूल्य डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है दहेज, ऑप्शन नंबर बी वधु मूल्य, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है मेहर और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी मुआवजा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेहर। इस्लाम में मेहर वह धनराशि है जो विवाह के समय वर या वर का पिता कन्या को देता है। यद्यपि यह मुद्रा के रूप में ही होती है, किंतु यह आभूषण, घरेलू सामान, फर्नीचर या जमीन आदि के रूप में भी हो सकती है। अर्थात मुस्लिम वधु को दिया जाने वाला मूल वधु मूल्य जो है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? हिंदू विवाह के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 8 और लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी टोटल 10। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल 8। ठीक है, मनुस्मृति में हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं जिनका उल्लेख इस प्रकार किया गया, जैसे कि पहला कौन सा है? पहला है हमारा ब्रह्म विवाह। पहला कौन सा? पहला है ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। दूसरा कौन सा है? दूसरा है दैव विवाह, दूसरा है दैव विवाह। तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा आर्ष विवाह। ठीक है, तीसरा है आर्ष विवाह। चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा प्रजापत्य विवाह। कौन सा है? चौथा है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, चौथा है प्रजापत्य विवाह। पांचवा कौन सा है? पांचवा है हमारा असुर विवाह। ठीक है, पांचवा कौन सा है? पांचवा है असुर विवाह। छठा कौन सा है? छठा है गांधर्व विवाह। ठीक है, छठा है गांधर्व विवाह। सातवां कौन सा? सातवां है राक्षस विवाह। ठीक है, छठवां सातवां है राक्षस विवाह। और आठवां कौन सा है? आठवां है पैशाच विवाह। कौन सा है? पैशाच विवाह। ठीक है, पैशाच। ठीक है, आठवां है पैशाच विवाह। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आर्ष विवाह, चौथा है प्रजापति विवाह, पांचवा है असुर विवाह, छठवां है गांधर्व विवाह, सातवां है राक्षस विवाह और आठवां कौन सा है? तो आठवां है पैशाच विवाह। इसमें चार विवाहों को उच्च और चार विवाहों को जो है हीन माना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज हमारा अगला प्रश्न है, वेस्टर्न मार्क के मतानुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था। ऑप्शन नंबर ए मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी मातृवंशी, लास्ट ऑप्शन नंबर डी पितृवंशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पितृसत्तात्मक। वेस्टर्न मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। डार्विन के अनुसार परिवार का जन्म पुरुष के आधिपत्य और ईर्ष्या के कारण हुआ। डार्विन के इस मत का समर्थन जो है वेस्टर्न मार्क ने भी किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, परिवार शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया गया है रक्त अथवा विवाह द्वारा संबंधित नातेदारी समूह, ऑप्शन नंबर बी है सामान्य पूर्वजों वाला एक समूह, ऑप्शन नंबर सी है अपने बच्चों के साथ एक व्यक्ति और लास्ट ऑप्शन नंबर डी एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों का एक समूह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक आवास में रहने वाले व्यक्तियों के समूह को जो है परिवार नहीं कह सकते हैं, जबकि शेष तीनों को जो है परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के निवास की कोई ना कोई व्यवस्था होती है। ये पितृस्थानी, मातृस्थानी व नवस्थानी जो है हो सकते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह क्या है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया एक पवित्र संस्कार, ऑप्शन नंबर बी एक समझौता, ऑप्शन नंबर सी एक एवं दो दोनों, लास्ट ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक समझौता। मुस्लिम विवाह एक समझौता है। मुस्लिम विवाह को निकाह भी कहा जाता है। मुस्लिम विवाह को क्या कहा जाता है? तो मुस्लिम विवाह को जो है निकाह भी कहा जाता है। मुसलमानों में विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि एक समझौता जो है माना जाता है, जिसका उद्देश्य घर बसाना, संतानों उत्पत्ति करना और उन्हें जो है वैधता प्रदान करना होता है। समझौते की स्वीकृत के लिए जो है धन का होना आवश्यक होता है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा अगला प्रश्न है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था किस चीज को? ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक कार्य को, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक कार्य को, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक कार्य को, लास्ट ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन को राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त सभी को।
प्रकार्यात्मक दृश्य से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों के पूर्ति के लिए जो है किया जाता है। इन प्रकार्यों की पूर्ति के लिए जो है परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों से जो है बंधे रहते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषता यह है कि यह समाज की संस्कृति की रचना, सुरक्षा, हस्तांतरण एवं संवर्धन में जो है योग देता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कानून के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए है हाइपोगैमी, ऑप्शन नंबर सी पीलीगैमी, ऑप्शन नंबर सी सपिटा एंडोगैमी और लास्ट ऑप्शन नंबर डी गोत्र एंडोगैमी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सपिटा एंडोगैमी। हिंदू बहिर्विवाह के प्रकार में निम्न प्रकार के विवाह होते हैं, जैसे कि गोत्र बहिर्विवाह हो गया, प्रवर तथा सप्रवर बहिर्विवाह हो गया, सपिंड बहिर्विवाह तथा ग्राम बहिर्विवाह। ठीक है, सपिंड बहिर्विवाह क्या होता है? तो सपिंड बहिर्विवाह इस आधार पर बहिर्विवाह के नियम तय किए जाते हैं कि सपिंड उभयवाही यानी कि दोनों तरफ नातेदारी संबंधों को महत्व देता है, अर्थात सपिंड के अंतर्गत मातृपक्षी एवं पितृवंशी दोनों संबंध शामिल हो जाते हैं। पिंड का तात्पर्य हमारे इस जो है हांड मास के शरीर से है, जिसके निर्माण में जिन लोगों का प्रत्यक्ष योगदान है वो लोग जो है वो लोग तथा उनसे जुड़े लोग हमारे सपिंड में जो है हो जाते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सपिंड विवाह पर रोक लगाता है अर्थात निषेध है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही जोड़े को बताइए। यहाँ पे तालिका दिया गया है वन और तालिका दो दिया गया है, हमें इनका आपस में मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। पहला दिया गया है पुनलवन परिवार। पुनलवन परिवार का संबंध किससे है? यह मार्गन से संबंधित है। दूसरा है पूर्वाभिमुखी परिवार। पूर्वाभिमुखी परिवार का संबंध किससे है? तो पूर्वाभिमुखी संबंध का परिवार का जो संबंध दिखाया गया है वह है जो है वार्नर से। तीसरा दिखाया गया है अतिलोक परिवार। अतिलोक परिवार का संबंध किससे है? तो यह है जिमरमैन से। और चौथा दिखाया गया है दंपत्य एवं समरक परिवार, यह किससे है? यह राल्फ लिंटन से है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1960 में, ऑप्शन नंबर बी 1955 में, ऑप्शन नंबर सी 1954 में, लास्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी 1970 में। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन हमने आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा था, जिसका मैक्सिमम लोगों ने इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब दिया था। और फ्रेंड्स मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, आप लोग उसका जो जवाब होता है उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए किया करिए कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, और मुझे बहुत काफी खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है राइट आंसर को मेंशन करते हैं। तो और इसके साथ 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 मैं फ्रेंड्स आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जैसा कि आपको पता है कि यूपी का जो इलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, और आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो फिर से वही गवर्नमेंट आ रही है, यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही होगी, गवर्नमेंट आ रही है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका एग्जाम शेड्यूल है उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चेंज हुई होती तो मुझे लगता है कि 6 से 1 साल लग सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी अपनी चीज़ें क्लियर करनी होती हैं कि कब हम कौन सी चीज़ें लाएंगे। ठीक है, जब नई गवर्नमेंट बनती है तो वो पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश करती है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को निकालती है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज खाली हैं, हमको कब कितने फिलफिल करवाना होता है। अगर गवर्नमेंट चेंज होती तो ऐसा कुछ होता, बट गवर्नमेंट फिर से ही बीजेपी की बन चुकी है, तो यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अब आप लोगों के एग्जाम शेड्यूल जैसे जो भी था वो जो है आराम से करवाएगी, जो भी उसका शेड्यूल था। तो आप लोग बहुत आराम से ही एग्जाम की प्रिपरेशन करें और आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। तो आप लोग प्रिपरेशन एकदम कंटिन्यू रखिए। तो आइए जानते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1954 में। बढ़ते हैं हम अपने आज के लास्ट प्रश्न पर। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? फ्रेंड्स
फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो आप लोग वीडियो को डिसलाइक कर दें। और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर कंसिडर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।